नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मोदी नगर चर्चा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अजय सैन। चलिए करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान ग्राम मतौर, खिंदोड़ा, सुहाना व शहरी कॉलोनियों में विश्वकर्मा बस्ती, नंदनगरी, चूना भट्टी, महेंद्रपुरी व सी लाइन में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुमारी प्रजापति ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और आने वाली 10 फरवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नीरज कुमारी प्रजापति ने क्षेत्रवासियों से कहा कि आज उत्तर प्रदेश को प्रियंका गांधी जैसी नेता की जरूरत है, जो हर शोषित, वंचित तथा सर समाज को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने की राजनीति करी है, बाकी राजनीतिक पार्टियां लोगों को तोड़ने की व आपस में बांटने की राजनीति करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो चुका है, बहन बेटियां असुरक्षित हैं। नीरज कुमारी प्रजापति ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी वर्गों के साथ न्याय होगा, महिलाओं को उचित स्थान सरकारी सेक्टरों में दिया जाएगा। जिस मोदी नगर की आभा पूरे भारत एवं भारत के बाहर फैली हुई थी, अब मोदी नगर को फिर से औद्योगिक नगरी बनाया जाएगा। जाम मुक्त और भयमुक्त मोदी नगर बनाना मेरा संकल्प रहेगा। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष आशीष शर्मा, शहर महासचिव नंदकिशोर शर्मा, कांग्रेस नेता आरिफ पवार, सलमान मेहंदी, अन्नू गुप्ता, राशिद खान, नईम खान, गुलबीर भारद्वाज, रिजवी, मुमताज आलम, विजेंदर सिंह, सुरेश शर्मा, रंजना सिंह, बिलाल चौधरी, मोइन खान आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू सिवास द्वारा मोदी नगर शहर के गुरु नानकपुरा कॉलोनी में जनसंपर्क किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने डॉक्टर मंजू सिवास का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात कस्बा रोड स्थित हरि मंदिर में जनसंपर्क के दौरान उपस्थित लोगों ने डॉक्टर मंजू सिवास को लड्डुओं के साथ तोला, जिसके उपरांत लड्डू का वितरण जनसभा में किया गया। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सीकरी खुर्द में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संबोधित वर्चुअल सभा में सम्मिलित रहीं, साथ ही डोर टू डोर जनसंपर्क किया। मंजू सिवाच का ग्राम खिंदोड़ा में जोर शोर से स्वागत किया गया तथा जनसंपर्क के दौरान भाजपा की नीतियों और आगामी योजनाओं से अवगत कराकर क्षेत्रवासियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू सिवाच ने जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्रवासियों से कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलने वाली पार्टी है। इसी नीति पर चलकर भाजपा सरकार ने अपनी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के धरातल पर क्रियान्वित कर करोड़ों प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया है। डॉक्टर मंजू सिवाच ने कहा कि उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल में प्रदेश सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया है और उन्हें आशा है, विश्वास है कि क्षेत्रीय जनता इस बार उनको फिर से जीत दिलाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैडम की तरफ से तो आपको विजय मिलेगा। अभी रुके रहना, आपका फोटो भी करवाऊंगा। रुके रहना, डॉक्टर थोड़ा पीछे हो जाइए। आओ चलो, आप इस एंगल अब जाओ। भैया थोड़े साइड दोगे? भैया मेरी ट्रे आ जानी चाहिए यार। आ जाओ बेटा, अच्छे तो हो जाओ।